नमस्कार। बोकारो पद की मर्यादा मिट्टी में। बोकारो के दुग्धा थाना क्षेत्र के दुग्धा बस्ती स्थिति शिशु विकास मंदिर के प्रिंसिपल पर वहीं पढ़ने वाली छात्रा ने छेड़छाड़ का आरोप जड़ा है। आपको बता दें कि शिशु विकास मंदिर की छात्रा को स्कूल के प्रिंसिपल ने रविवार को प्रैक्टिकल के परीक्षा के संबंध में जानकारी देने स्कूल बुलाया था। विद्यालय में छात्रा को अकेला देख प्रिंसिपल ने उससे छेड़खानी कर डाली। इसकी शिकायत पीड़ित छात्रा ने रोते हुए अपने घर वालों को बताई। गांव के प्रिंसिपल की करतूत की चर्चा होते ही पूरे गांव में प्रिंसिपल के खिलाफ आक्रोश फूट पड़ा। आज जब प्रिंसिपल स्कूल पहुंचे तो ग्रामीणों ने पूरे स्कूल को घेर लिया। घटना की सूचना मिलते ही बेरमो इंस्पेक्टर दुग्धा तथा चंद्रपुरा थाना प्रभारी अपने दल बल के साथ स्कूल पहुंचे। घंटों मशक्कत कर ग्रामीणों को समझाने बुझाने में सफल हुए। इधर कुछ ग्रामीण उग्र होते जा रहे थे, उसे देखते प्रशासन ने अपने सूझबूझ से स्थिति पर काबू पाया और स्कूल के प्रिंसिपल को किस स्कूल से निकाल कर किसी तरह अपने साथ थाना लाने में सफल हुए। पुलिस के मामले की जानकारी देते हुए बताया कि गांव वालों द्वारा प्रिंसिपल पर लगाए गए आरोप के आधार पर उसे हिरासत में लिया गया है। लिखित शिकायत के बाद मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जाएगी, जिसमें पीड़िता का बयान अहम है। सतीश चंद्र झा, DSP। एक छेड़छाड़ के नाबालिग के साथ मामला है, पूरे ग्रामीण बवाल मचाए गए थे, काफी संख्या में पुलिस बल के कई पदाधिकारी के। क्या है सर पूरी मामला? अभी हम लोग भी इस मामले की पूरी गहराई से जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। यहाँ एक शिशु मंदिर के प्रिंसिपल हैं, जिन पर ग्रामीणों का आरोप है कि उनके द्वारा छेड़छाड़ संडे के दिन दो लड़कियों के साथ किया गया है। इसमें हम लोग पीड़ित पक्ष से भी बात कर रहे हैं और उनसे ले रहे हैं और उनसे बयान के आधार पर उनको जो प्रिंसिपल है उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी और ग्रामीणों को इस संबंध में आश्वस्त कराया जाता है कि पुलिस अपनी ओर से जो भी कड़ी से कड़ी का जो कार्रवाई संभव है वो जरूर करेंगे। सर पीड़िता से जो दो बच्ची जो बात आ रही है तो उससे सर बात हो पाई है क्या पुलिस को? नहीं, अभी बात नहीं हो पाई है। हम लोग बात करने ही बात है, उनको बुलवा रहे हैं हम लोग और थोड़ा सब चीजों से थोड़ा अलग होने के बाद ही इन्वेस्टिगेशन चलता है। अब शांत हो गया है माहौल तो हम लोग बुला रहे हैं, बात कर रहे हैं, उसके कारण